हाय फ्रेंड, दिस इज रोशन मिश्रा और स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल रोशन मिश्रा सर मैथमेटिक्स पर। तो जिसका इंतज़ार आप लोगों को था वो इंतज़ार खत्म होता है और आज से मैं SBI क्लर्क 2018 को टारगेट करते हुए बहुत सारे वीडियोस अपलोड करने वाला हूं और बहुत सारे क्वेश्चंस मैं डिस्कस करने वाला हूं। मैं सबसे पहले आपको प्लान बता देता हूं कि आखिर हमें करना क्या है अगले 50 से 60 दिनों में हमें करना क्या है, वो मैं आपको प्लान बता देता हूँ। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूँ कि इसका सिलेबस क्या होने वाला, किस किस चैप्टर से क्वेश्चन पूछा जाता है। आप देखेंगे सिंप्लीफिकेशन से 10 से 15 क्वेश्चन रह सकते हैं, 10 क्वेश्चन मिनिमम। चलिए हम 10 क्वेश्चन ही अगर लेकर के चले। नंबर सीरीज से 5 क्वेश्चन, ठीक है, इनइक्वलिटी से 5 क्वेश्चन, डेटा इंटरप्रिटेशन से 5 क्वेश्चन और मिसलेनियस से 10 क्वेश्चन, ठीक है। तो सिंप्लीफिकेशन से 10 क्वेश्चन, 10, 10, 20, 5, 25, 10, 35, और ये 35 क्वेश्चन हमें अटेम्प्ट करना है अगले 20 मिनटों में, ठीक है। इस 35 क्वेश्चन को बनाने के लिए जो मेरे पास टाइम रहेगा वो है 20 मिनट। आप एक बात कंफर्म होकर के चलिए, आपको 20 मिनट में 35 क्वेश्चन नहीं बनाना है। आपको ये भी पता होना चाहिए कि इस बार सेक्शनल कट ऑफ हटा दिया गया है, ठीक है। तो चलिए, उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन स्कोरिंग तो करेगा तीनों ही सब्जेक्ट, ठीक है। आपको इस 20 मिनट में 25 से 30 क्वेश्चन बनाना है, मिनिमम 25 क्वेश्चन बनाना है और मैक्सिमम 30 क्वेश्चन तक आपको बनाना है। इस 20 मिनट में मिनिमम 25 क्वेश्चन आपको बनाना ही बनाना है। इस 20 मिनट में आप अगर 25 क्वेश्चन बनाते हैं, अगले 20 मिनट में आप 25 क्वेश्चन रीजनिंग से बनाते हैं, तो 50 क्वेश्चन तो आपका कन्फर्म होगा और 5 से 10 क्वेश्चन भी अगर आप इंग्लिश में अटेम्प्ट करते हैं तो 100% आपका रिजल्ट होने वाला है, ठीक है। 55 ये आपका सेव हो जाएगा। आप अगर सेव करना चाहते हैं अपने आप को तो वो 55 क्वेश्चन तो मिनिमम आपको बनाना ही पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए मैं आपको बताता हूं कि किस तरह से क्वेश्चन को बनाना चाहिए, किस तरह से क्वेश्चन हमें अटेम्प्ट करना है, ठीक है। तो शुरू करते हैं, देखते हैं कि टाइम किस तरह से, सबसे पहले किसे बनाना है, सबसे लास्ट में किसे बनाना है। ये बहुत ही मायने रखता है, क्योंकि मैं भी आज से 5 साल पहले तक स्टूडेंट ही था और एक अलग तरीका, एक अलग अप्रोच के साथ ही मैं इसे अटेम्प्ट करता था, तो मेरा स्कोरिंग अच्छा खासा हो जाता था। चलिए तो हम देखते हैं, सिंप्लीफिकेशन 10 क्वेश्चन है, तो 10 क्वेश्चन है सिंप्लीफिकेशन में, आपको टाइम कितना देना है मैं वो बता देता हूं। आपको इस 10 क्वेश्चन में सबसे पहले जो आपको अटेम्प्ट करना है वो है सिंप्लीफिकेशन। मैंने सीरीज से लिख दिया है, सबसे पहले आपको अटेम्प्ट करना है सिंप्लीफिकेशन, फिर अटेम्प्ट करना है नंबर सीरीज या इनइक्वलिटी, इस दोनों में से कोई भी हम अटेम्प्ट करेंगे, ठीक है। तो इस तीनों को आपको सबसे पहले अटेम्प्ट करना है, इस तीनों में भी सबसे पहले आपको सिंप्लीफिकेशन है, ठीक है। तो ये आप देख लीजिए कि 20 क्वेश्चन हुआ टोटल, इस 20 क्वेश्चन में हमें बनाना कितना है वो मैं आपको बता देता हूं और कितने समय में बनाना है। आप तैयारी कीजिए, आप तैयारी करने के बाद जब आपको पता चलेगा, आप एक बार बैठेंगे सेट बनाने के लिए, तो अगर इस तरीके से आप बनाते हैं तो देखिएगा कि आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन बना पाएंगे। तो सिंप्लीफिकेशन 10 क्वेश्चन है, इस 10 क्वेश्चन के लिए हमें 2 से 3 मिनट काफी है, 2 से 3 मिनट देना है इस 10 क्वेश्चन में, हमें 2 से 3 मिनट ही देना है। और इस 10 क्वेश्चन में 2 से 3 मिनट देना है तो मैं कहता हूं कि अगर 10 क्वेश्चन नहीं भी बनता है तो मिनिमम आपका 8 क्वेश्चन तो बनेगा ही बनेगा 3 मिनट में, मैक्सिमम टाइम 3 मिनट, 8 क्वेश्चन 3 मिनट में आपको 8 क्वेश्चन बनाना है सेफ होने के लिए, ठीक। चलिए तो आते हैं फिर नंबर सीरीज में, नंबर सीरीज में भी आपको 2 से 3 मिनट ही देना है। और नंबर सीरीज में जब आप 2 से 3 मिनट देते हैं तो 5 क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन आपको आराम से 2 मिनट में बन जाएगा, 2 मिनट में बन जाएगा, ठीक है। पांचवा क्वेश्चन नहीं भी बना तो आप उसको छोड़ करके आगे निकल सकते हैं। कभी कभी होता क्या है कि कोई क्वेश्चन ऐसा दे दिया जाता है कि जिसमें आप फंस सकते हैं। अब एक क्वेश्चन के लिए आप 2 मिनट उसमें टाइम बर्बाद नहीं कर सकते हैं। तो आपको बनाना कितना क्वेश्चन है, 4 क्वेश्चन बनाना है। अगर बनने वाला है तो आप आसानी से बनाने वाला है तो आप एकदम बना लीजिए, ठीक है। चलिए तो ये 4 क्वेश्चन है। इनइक्वलिटी वेरी इजी, बहुत ही आसान होगा ये, तो आपको अगर इस पे पकड़ है, मैं सारे क्वेश्चन करवाऊंगा, आपको इस पे पकड़ हो जाएगा तो आप आसानी से 1 मिनट में, 1 से 2 मिनट में, चलिए मैं 2 मिनट दे देता हूं,
एक से दो मिनट में आप पांचों का पांचों क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं, पांच क्वेश्चन, ठीक है, पांचों क्वेश्चन आपको बनाना है इसमें से। चलिए अब उसके बाद जो है, उसके बाद आपको क्या बनाना है, डेटा इंटरप्रिटेशन। डेटा इंटरप्रिटेशन का जो पांच क्वेश्चन है, इसका ना तो इजी लेवल रहेगा ना ही हाई लेवल रहेगा, ये मॉडरेट लेवल का रह सकता है, हाई लेवल का तो एकदम नहीं रहेगा। हालांकि मैं आपको हाई लेवल का भी DI प्रैक्टिस करवाऊंगा, ठीक है। तो डेटा इंटरप्रिटेशन में अगर आप चार मिनट भी दे देते हैं, चार मिनट भी दे देते हैं, तो आपका चार से पांच क्वेश्चन बनेगा, अगर चार क्वेश्चन ही मिनिमम बन पाया, ठीक है। अभी हम मिसलेनियस को होल्ड पे रखते हैं, ठीक है। अब हम थोड़ा ऊपर गिनते हैं कि आखिर हम कितना क्वेश्चन अभी तक बनाए। मैक्सिमम टाइम लेते हैं हम 3 मिनट, 2 मिनट और 2 मिनट, ठीक है, सॉरी 4 मिनट, 3, 3, 2 और 4, तो 3, 3, 6, 4, 10, 2, 12 मिनट। और इस 12 मिनट में, इस 12 मिनट में हमें कितना क्वेश्चन बना लेना है उस पर आप गौर करेंगे। तो मिनिमम हमने क्वेश्चन लिया है 8, 4, 12, 12, 5, 17 और 17, 4, 21। तो इस 12 मिनट में हमें 20 से 21 क्वेश्चन तो बना ही लेना है, ठीक। 12 मिनट में हम अगर 21 क्वेश्चन बनाते हैं तो मेरे पास बचता है 8 मिनट, तो भी मेरे पास बचता है 8 मिनट। और इस 8 मिनट में आप मिसलेनियस का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और इस 8 मिनट में मैं 10 क्वेश्चन कभी नहीं बोलूंगा बनाने के लिए कि आप सारा क्वेश्चन बना लीजिए। मैं आपको ये बताऊंगा कि किस किस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना चाहिए, किसको पहले पकड़ना चाहिए, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। अभी नहीं बताऊंगा इसलिए कि आप क्या करेंगे तो उस चैप्टर पे ध्यान ही देना छोड़ देंगे, ठीक है। तो आपको बनाना है इस 8 मिनट में, लास्ट 8 मिनट्स में आपको 5 से 6 क्वेश्चन कम से कम, ठीक है। इस 8 मिनट में आप 5 से 6 क्वेश्चन मिसलेनियस का बनाएंगे। तो आप सोचिए थोड़ा कि 21 में 5 या 6 को ऐड कर दिया जाए तो 25 से क्रॉस कर जाते हैं हम लोग, और 25 से जैसे ही क्रॉस करेंगे मैथमेटिक्स में, तो मेरा 20 मिनट में 25 क्वेश्चन आसानी से बन जाएगा, टाइम रहते हुए बन जाएगा। और आप 25 क्वेश्चन रीजनिंग में भी बना लेते हैं तो 50 क्वेश्चन तो एकदम आसानी से आपके मुट्ठी में होगा, और टाइम भी आपके पास अच्छा खासा बचत रहेगा, ठीक है। और 20 मिनट में आपको इंग्लिश में 5 से 10 क्वेश्चन तो बना ही लेना है, अगर आपको इंग्लिश पे पकड़ है तो, हाँ पकड़ होना चाहिए अगर आप बैंक का तैयारी कर रहे हैं तो, ठीक है। तो चलिए ये था मेरा प्लान, किस तरह से अटेम्प्ट करना है, किस टाइम में अटेम्प्ट करना है, कितने समय में अटेम्प्ट करना है। अगर इन बातों को आप समझ रहे होंगे और अब कहीं भी सेट लगा रहे होंगे तो आप इसको एक बार करके देखिए, तो आपको जरूर फायदा होगा, जरूर आप 4 से 5 क्वेश्चन ज्यादा बना रहे होंगे। एक बार फिर से मैं आपको बता देता हूं कि 2 से 3 मिनट में आपको 8 क्वेश्चन बनाना है, 3 मिनट में 8 क्वेश्चन बनाना है। अब पूछिएगा कि होगा ये कैसे, तो अगर आप तैयारी कर रहे हैं बैंक का तो आपको तो पकड़ होना चाहिए, सिंप्लीफिकेशन पे पकड़ होना चाहिए, बेसिक कैलकुलेशन पे पकड़ होना चाहिए। आपको मैं तैयारी करवाऊंगा, आप देखते जाइए, ठीक है। चलिए नंबर सीरीज 3 मिनट में 4 क्वेश्चन, 3 मिनट में 4 क्वेश्चन, 1-1 मिनट लगभग में पड़ गया, तो क्या आप नंबर सीरीज का 3 मिनट में 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करेंगे? अगर नहीं करेंगे तो फिर आप तैयारी छोड़ दीजिए, आपको करना पड़ेगा, आपको अगर सिलेक्शन लेना है तो करना पड़ेगा। नहीं हो रहा है तो क्यों नहीं हो रहा है उस बात पे ध्यान दीजिए, ठीक है। चलिए फिर हम लोग आते हैं इनइक्वलिटी। इनइक्वलिटी में आपको 2 मिनट में 5 क्वेश्चन करना ही है। डेटा इंटरप्रिटेशन का 5 क्वेश्चन है, हाँ तो 5 क्वेश्चन आपको 4 मिनट में करना है, 4 मिनट में 4 क्वेश्चन भी अगर आप कर पाते हैं तो ये आपके लिए बेहतर होगा। तो डेटा इंटरप्रिटेशन का भी मैं आपको प्रैक्टिस करवाऊंगा। मिसलेनियस का क्वेश्चन, मिसलेनियस का क्वेश्चन में आपको 50% कम से कम अटेम्प्ट करना है, 10 क्वेश्चन में 5 क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन तक बनाना है 8 मिनट में। तो ये आपको टाइम मैनेजमेंट समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए अब मैं आपको प्लान बताता हूं कि हमारा प्लान क्या होने वाला है अगले 50 दिनों के लिए। नेक्स्ट 50 डेज में हमारा प्लान क्या है? आप कहीं भी कोर्स कर रहे हैं, किसी इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हैं, उससे कोई मतलब नहीं है, आप पढ़िए जहां भी पढ़ रहे हैं, बट इसको भी आप फॉलो कीजिए तो आपको जरूर फायदा होगा, 100% फायदा होगा, गारंटी के साथ फायदा होगा। बहुत सारे स्टूडेंट ने कमेंट किया है, आप देख लीजिएगा कमेंट में जाकर के, बहुत सारे स्टूडेंट हमारे मेंस भी दे करके आए हैं IBPS क्लर्क का। तो चलिए शुरू करते हैं, अब देखते हैं प्लान मेरा क्या है, ठीक है। अब मेरा प्लान ये है कि ये जो सिंप्लीफिकेशन है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है।
अब सिंप्लीफिकेशन पे आपका पकड़ मजबूत होगा तो डेटा इंटरप्रिटेशन का क्वेश्चन तो वैसे ही हवा में उड़ जाएगा, ठीक है। मिसलेनियस का क्वेश्चन भी आपको बहुत सारा हवा में उड़ जाएगा। आप एक बात जान लीजिए कि असल में है क्या कि सिंप्लीफिकेशन मेरा हथियार है और मिसलेनियस का जो क्वेश्चन है वो मेरा ब्रेन है, तो इस दोनों को जब तक मिलाएंगे नहीं तब तक हम किसी भी युद्ध को जीत नहीं सकते। तो इस दोनों को ही मिला करके आपको चलना पड़ेगा। मिसलेनियस पे पकड़ होना चाहिए और सिंप्लीफिकेशन पे पकड़ होना चाहिए तो डेटा इंटरप्रिटेशन का क्वेश्चन तो वैसे ही बन जाएगा, ठीक है। चलिए अब मैं प्लान बताता हूँ कि अगले 5 से 6 दिनों में हमें करना क्या है। अगले 5 से 6 दिनों में मेरा जो प्लान है उस बात पे आप गौर कीजिएगा कि 2011 से लेकर के 2016 तक जो भी क्वेश्चन पूछा गया है एसबीआई क्लर्क में जो भी क्वेश्चन पूछा गया प्रीलिम्स में, उन सारे क्वेश्चंस को मैंने इकट्ठा किया है इन 2-3 दिनों में, सारे क्वेश्चंस को, ठीक। अब इन सारे क्वेश्चन में मैं जो तरीका अपनाने वाला हूं, मेरा ये तरीका है कि मैं सारा सिंप्लीफिकेशन 11 से लेकर के 16 तक जितना भी क्वेश्चन पूछा गया सिंप्लीफिकेशन का वो सारा डिस्कस करूंगा अगले 4 से 5 दिनों में, 6 दिनों में, जितने दिनों में ये हो पाए। बीच बीच में मैं आपको बेसिक कैलकुलेशन का भी पार्ट कराऊंगा और बेसिक कैलकुलेशन का भी पार्ट इसलिए कराऊंगा कि अगर जैसे 5 क्वेश्चन ही लिए, 10 क्वेश्चन ही लिए, उसमें आपको कहीं पे जरूरत पड़ गया कि स्क्वायर किसी को नहीं मालूम है तो मैं उसे अच्छे से बताऊंगा कि किस तरह से स्क्वायर करना चाहिए, क्यूब करना चाहिए, ठीक है। तो वो धीरे धीरे चलता रहेगा, तो बेसिक कैलकुलेशन का मैं अलग से पार्ट नहीं बनाऊंगा, तो इसी में आप देख लेंगे, ठीक। चलिए तो सिंप्लीफिकेशन मेरा 5 से 6 दिनों में कंप्लीट होगा, 7 दिनों में कंप्लीट होगा, तो इस पे पकड़ बनाइए। उसके बाद 7-8 दिन के बाद नंबर सीरीज पे आएंगे और नंबर सीरीज पे 5 से 6 दिन हम मेहनत करेंगे, 5 से 6 दिन मेहनत करेंगे नंबर सीरीज पे। तो नंबर सीरीज पे जब हम मेहनत करते हैं तो बहुत सारे क्वेश्चन आसानी से मेरा बनना शुरू हो जाएगा। आपको जब एक ढर्रा पता चल जाएगा, एक वे पता चल जाएगा कि किस तरह से क्वेश्चन को बनाना चाहिए तो वो आसानी से बनना शुरू हो जाएगा। शुरू शुरू में आपको लग सकता है थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हो सकता है, जब आप बाइक चलाना सीखते हैं तो आपको लगता है कि गिर जाएंगे, लेकिन वही बाइक जब आप सीख जाते हैं तो फिर तो लहरिया कट भी शुरू हो जाता है ना। तो चलिए, इनइक्वलिटी में कुछ खास नहीं है, इनइक्वलिटी में 2 से 3 क्लास ही बताऊंगा, आपको पकड़ हो जाएगा। 25 से 50 क्वेश्चन हम इनइक्वलिटी पे भी करेंगे। डेटा इंटरप्रिटेशन और मिसलेनियस, इस दोनों ही चैप्टर को मैं लगातार करता रहूंगा। एक दिन डेटा इंटरप्रिटेशन, एक दिन मिसलेनियस, एक दिन DI, एक दिन मिसलेनियस। तो ये मेरा कब होगा? अगले 15 दिनों के बाद। 6 से 7 दिन सिंप्लीफिकेशन, 4 से 5 दिन नंबर सीरीज, 2 से 3 दिन आपको इनइक्वलिटी, उसके बाद 15 दिनों के बाद डेटा इंटरप्रिटेशन और मिसलेनियस। ये लगातार चलता रहेगा, एक दिन डेटा इंटरप्रिटेशन, एक दिन मिसलेनियस, एक वीडियो डेटा इंटरप्रिटेशन का और एक वीडियो मिसलेनियस का, ये लगातार मिला करके मैं करता जाऊंगा, ठीक है। और बीच बीच में मुझे लगेगा जिस दिन, जैसे सैटरडे हो गया, संडे हो गया, जिस दिन मुझे लगेगा कि ये आप सिंप्लीफिकेशन सीरीज भूल रहे हैं तो उस दिन मैं फिर से आपको एक वीडियो बना दूंगा उस पर, ठीक है। और बीच बीच में मैं सिंडिकेट बैंक और केनरा बैंक के लिए जो भी तैयारी कर रहे हैं उस पर भी वीडियो बनाऊंगा, तो वो एक अलग पार्ट होगा। बट मेरा जो मिशन SBI क्लर्क 2018 है वो ऐसे ही चलेगा, ठीक है। तो मैं आज से शुरू कर रहा हूं, आप देखेंगे कि किस तरह से अप्रोच लेना चाहिए। तो चलिए आज से मैं शुरू करूंगा सिंप्लीफिकेशन।